हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो आज हम कोई राइडिंग वाला व्लॉग नहीं शूट कर रहे हैं, आज आप लोगों को मिलाने वाले हैं हमारे स्पेशल छोटे मोटे नन्हे मुन्ने नए मेहमानों से। और वो मेहमान इतने क्यूट है ना कि आपको देखते ही प्यार हो जाएगा। तो चलो, एक्साइटेड हो मिलने के लिए? चलो लेकर चलते हैं, मिलवाते हैं हमारे नए मेहमानों से। गाइस ये देखिए, क्यूटनेस ओवरलोडेड। से हेलो हेलो हेलो। तो ये है वाइटी और ये है एक पर्सियन कैट का बेबी। और सिर्फ यही नहीं, अभी हमारे पास और भी है। टडा टन टडा। हेलो हेलो क्यूटी पाई। तो ये है ब्लैक आइस और इसको कहते हैं हम प्यार से गोरिल्ला। इसका नाम है ब्लैक आइस और ये वाइटी। और एक ये चुपके चुपके से देख रहा है, देखो जरा। ओ हो बाय। इसका नाम है आइस। ये आइस, वो वाइटी और वो ब्लैक आइस। तो ये तीनों पर्सियन कैट के बेबी हैं जो कि अभी लगभग 22-23 दिन के हुए हैं। और ये जब पैदा हुए थे तब इतने इतने से थे, इतने इतने से। और अभी इनको देखो। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को भी मिलवाएं हमारे छोटे छोटे बेबीज से। जरा देखिए, तो इतना उदम करते हैं। दिन में ये सिर्फ दूध पीते हैं और रात में इनका उदम चालू हो जाता है। और अभी मिलवाते हैं एक और हमारी मेहमान से, हमारे मेंबर से। वो ये रही, जूते सूंघ रही है, हैं? ये है इनकी माँ स्नो। और इसकी एक आई है येलो और एक है ब्लू। ये बहुत नखरे करती है, देखो। खेलना चालू हो गया तेरा, हैं? स्नो आजा। जरा देखिए इसकी आंख, एक है ब्लू और एक है येलो। तो ये मिलके ना अभी घर का माहौल कर रखे हैं पूरा सेट। चलो भाई। हाँ अब तो तुम भी फेमस होने वाले हो भाई। क्या बात है, क्या बात है ये छोटा बाबू, क्या बात है। ओह हमारा ब्लैक की तो दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक आइस। और ये है स्पीति वैली से आया हुआ वाइट गोरिल्ला। क्या बात है, म्याऊं ऐसे म्याऊं करेगा, डरा रहा है मुझे। हम नहीं डरेंगे। ए छुटंकू चलो हेलो करो। चुटंकू पंजा मारता है, देखो छोटा सा बेबी है बट पंजे बहुत खतरनाक वाले मारता है। और हमारा गोरिल्ला तो दिख ही नहीं रहा है। ए गोरिल्ला चलो। तो गाइस ये हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे और इन्होंने इतना खुश कर रखा है ना, अभी मैं क्या बताऊं। अभी इनकी मामा के हो गया था इन्फेक्शन, फूड की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो अभी उसकी सेवा चल रही है और इनके मजे चल रहे हैं। हैं चलो टाटा कर दो, चलो टाटा करो, टाटा कर दो, टाटा कर दो। चलो भाई चलो, ये तो टाटा करेंगे नहीं। तो गाइस ये थे हमारे नए मेंबर जिनसे आपको मिलवाना था। पसंद आए हो ना तो प्यार जरूर भेजना इनको भाई। ये होता है प्यार, देखो। ये है इनकी मम्मी और ये तीनों बच्चे लग गए हैं, देखो देखो जरा। और ये ना पता है कैसे पता करती है अपने बेबीज का, चाट के। तो अभी वो चाट चाट के चेक करिए मेरे तीनों बेबीज यहाँ है या नहीं।
और साथ के साथ इनको क्लीन भी करती है। ये देखो वाइटी ना बड़ा शैतान है, ये पंजा मारता है। ओहो स्नो, ये स्नो की आईज देख लो हमारे, एक ब्लू है और एक टाइगर कैट आई। तो चलो गाइस अभी इनको सोने देते हैं, सुबह आपको ना एक और अचंबा हम लोग दिखाएंगे। वो अचंबा क्या है वो आपको सुबह पता चलेगा। चलो गुड नाइट। तो गाइस जैसा मैंने बोला था सुबह आपको एक और मेहमान के दर्शन मैं कराऊंगा। तो ये देखो ये सामने कबूतरी है और इसने अंडे दे दिए हैं और अंडे दिए हुए लगभग 5-6 दिन तो हो गए इसको। और ये है कि पट्टी यहाँ से हिलती नहीं पूरा दिन, मैं बाहर भी जाके खड़ा हो जाऊँगा तो ये हिलेगी नहीं यहाँ से। और देखो संजोग देखो आप, कबूतर और बिल्ली दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और यहाँ पे हमारे एक कबूतर बैठा है और इधर ये देखो ये बैठी मैडम और यहाँ इनके 3-3 बच्चे। और तीनों ना ऐसे हैं कि उत्पाती, जैसे ही हम जाएंगे ना तभी ये चालू हो जाएंगे यहाँ पे कूदना फांदना। तो भैया ये है लाइफ देख लो आप। तो गाइस देखिए यहाँ नन्हे मुन्ने नए मेहमान भी आ गए हैं जो कि है हमारे कबूतर के बच्चे। अभी कल ही मैंने आपको दिखाया था कि अंडे से रही थी हमारी कबूतरी और अभी फाइनली ये देखो छोटे छोटे येलो कलर के बच्चे हुए हैं और धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे। वाह भाई वाह, दिस इज कॉल्ड नेचर। और वो देखो वो है इनकी माँ, उसको डर लग रहा है भाई मेरे बच्चे ना ले जाए उठा के। चलो इनको अपने हाल पे अभी छोड़ देते हैं।